गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुंडिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 PLM, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपलब्धियाँ। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं, खिलजी वंश जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के ससुर भी थे और चाचा जी भी थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफ़ी विस्तारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन का वध कर दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार स्थापित किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका जो मूल नाम था अली या मुर्शब था। अलाउद्दीन खिलजी इसका मूल जो नाम है अली या मुर्शब था। अलाउद्दीन खिलजी इसकी शासन अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक मानी गई है। अलाउद्दीन का जन्म 1266 ईस्वी को सिरसा में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी को सिरसा में हुआ था। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक 3 अक्टूबर 1296 में रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाना के जुलूस में इसका राज्याभिषेक किया गया था। उपाधि अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि से इसको नवाजा गया है। फिर सिकंदर द्वितीय और सल्तनत काल का समुद्र भी अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा गया है। सिकंदर द्वितीय और सल्तनत काल का समुद्र को अलाउद्दीन को ही कहा गया है क्योंकि अलाउद्दीन ने भी समुद्रगुप्त की ही तरह उत्तरी और दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां के शासकों को उनका राज्य लौटा दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर लेने का वादा किया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भी समुद्रगुप्त की ही तरह उत्तरी और दक्षिण भारत विजय अभियान में सफलता प्राप्त की थी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी कहा गया है। अमीर खुसरो और इसामी ने अलाउद्दीन को भाग्यवादी व्यक्ति कहा। अमीर खुसरो और इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में माना गया है। यह अलाउद्दीन खिलजी पूर्ण रूप से निरक्षर था लेकिन सैनिक कार्यों में ये काफ़ी निपुण था। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था परंतु दिल्ली के कोतवाल अताउल उलक की सलाह से इसने विश्व विजय का ख्याल और धर्म संस्थापना का ख्याल तो मन से निकाल दिया लेकिन उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने का इसने निश्चय कर लिया था। उत्तरी और दक्षिण भारत की विजय अभियान के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। दक्षिण भारत के सैनिक अभियान में मलिक काफूर ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी।
मलिक काफूर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन को गुजरात के अभियान के दौरान मिला था, अलाउद्दीन का दास था और एक योग्य प्रतिभावान व्यक्ति था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत सैनिक अभियान में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन के सैनिक अभियान सबसे पहले उत्तरी भारत तथा उत्तर भारत राजपुताना क्षेत्र, इसमें सबसे प्रथम गुजरात का सैनिक अभियान किया 1298 में। इसके पश्चात रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 ईस्वी में। इसके पश्चात चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 ईस्वी में। मालवा पर आक्रमण किया 1305 ईस्वी में। सिवाना पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में। जालौर पर आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। इस प्रकार उत्तरी भारत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर आदि राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी और अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था। इसी प्रकार दक्षिण भारत विजय अभियान के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी 1307 ईस्वी, इसके पश्चात पुणे आक्रमण 1312-13 ईस्वी में किया था और विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात पालांगर 1309 ईस्वी में, होयसल 1310 ईस्वी में, पांड्य राज्य 1311 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया था। दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। आइए अब हम इनको विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम अलाउद्दीन की उत्तरी भारत तथा राजपुताना क्षेत्रों पर विजय। सबसे पहले गुजरात का सैनिक अभियान 1298 ईस्वी पर 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। उन दिनों गुजरात एक समृद्धशाली राज्य था जिसकी राजधानी अनिहालवाड़ा थी। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनानायकों उल्लूक खान और नुसरत खान के साथ एक विशाल सेना के साथ गुजरात अभियान पर भेजा। गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो प्रमुख सेनानायकों उल्लूक खान और नुसरत खान को भिजवाया था। उस समय गुजरात का अनुशासक था करण बघेला था। गुजरात का शासक करण बघेला था। करण बघेला जो है भयभीत होकर वहां से अपनी पुत्री देवला देवी को लेकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ चला जाता है और वहां पर शरण पाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपने दो प्रमुख सेनानायकों उल्लूक खान और नुसरत खान को भेजते हैं, तो इन विशाल सेना को देखकर गुजरात का शासक करण बघेला काफी भयभीत होता है और वह वहां से अपनी बेटी देवला देवी को लेकर भाग जाता है और भागने के पश्चात वह देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण पाता है। तो मुस्लिम सेना ने गुजरात के प्रमुख नगरों को काफी लूटा। करण बघेला की पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है।
जहां अलाउद्दीन खिलजी उससे विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो जाता है। क्योंकि इस आक्रमण में नुसरत खान जो मारा जाता है, इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक एक दास भी मिलता है, जो आगे चलकर दक्षिण भारत के विजय अभियान में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1298 में गुजरात पर विजय प्राप्त की जाती है। इस विजय अभियान में अलाउद्दीन के द्वारा उलूक का और नुसरत खान को भेजा जाता है। फिर इसके पश्चात है रणथंभौर पर आक्रमण 1301। रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी। तो रणथंभौर का शासक इस समय हमीर देव था। रणथंभौर का शासक इस समय हमीर देव था। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया था, क्योंकि रणथंभौर के राजा हमीर देव ने मंगोलों के विद्रोही नेताओं को शरण प्रदान कर रखी थी। इसके अलावा रणथंभौर का जो दुर्ग है एक सुरक्षित दुर्ग था, जिस पर अलाउद्दीन अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। दूसरी बात, रणथंभौर के राजा हमीर देव ने मंगोलों के विद्रोही नेताओं को शरण प्रदान कर रखी थी, इसके कारण अलाउद्दीन हमीर देव को दंडित करना चाहता था। इसके अलावा जो रणथंभौर था दिल्ली सल्तनत का एक भाग रह चुका था, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने उलूक खान नुसरत खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। परंतु इस युद्ध में नुसरत खान मारा जाता है, उलूक खान वापिस लौटकर दिल्ली आ जाता है। इस अभियान में नुसरत खान जो कि मारा जाता है और उलूक खान वापिस इस पर दिल्ली लौट आता है। तो गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान की मृत्यु नहीं होती, बल्कि नुसरत खान की जो मृत्यु रणथंभौर के आक्रमण के दौरान हो जाती है। ऐसी स्थिति में सुल्तान स्वयं रणथंभौर आया। एक वर्ष तक घेरा डाले रहने के बाद भी जब अलाउद्दीन को सफलता प्राप्त नहीं हुई तो अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लेने का निश्चय किया। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के प्रमुख सेनापति को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। रणमल और रतिपाल नामक सेनापतियों को इसने अपनी ओर मिला लिया था। अंत में जुलाई 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। हमीर देव व राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए थे और हमीर देव की पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया था। इस प्रकार रणथंभौर के प्रमुख शासक हमीर देव जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजित होते हैं और राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। रणथंभौर के राजा हमीर देव की रानी रंगा देवी जौहर कर देती है। और इसके पश्चात हमीर देव स्वयं भी अपना सर काटकर भगवान शिव के चरणों में रख देते हैं। इस प्रकार 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रणथंभौर पर विजय प्राप्त की जाती है। नंबर 3 पर है चित्तौड़ पर विजय, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। चित्तौड़ पर 1303 में सैनिक अभियान किया गया था और मेवाड़ पर अधिकार स्थापित किया गया। इस समय चित्तौड़ का जो शासक राणा रतन सिंह था,
इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी के सौंदर्य की प्रशंसा उसने सुन रखी थी, अतः अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी को पाना चाहता था। इसके अलावा चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए वह पहले से ही लालायित था। अतः मेवाड़ की विजय अभियान हेतु वह स्वयं चित्तौड़ आता है और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले का घेरा डाल देता है। 5 महीने के घेरे के बाद भी सुल्तान मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि राजपूत सैनिकों ने इस अभियान का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन सुल्तान की विशाल सेना के सामने अंत में राणा रतन सिंह पराजित हो जाता है। और जब रानी पत्नी को वह अपनी पत्नी बनाना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ऐसी परिस्थितियों में जब रानी पत्नी को लगता है कि अब उसके पति राणा रतन सिंह की युद्ध में विजय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है, तो रानी पद्मिनी अपनी 1600 सखियों के साथ जो कि अग्नि में जौहर कर देती है। तो इस प्रकार राणा रतन सिंह और राजपूत सैनिक जो है अलाउद्दीन के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। रतन सिंह जो कि मेवाड़ के प्रमुख शासक थे, बोरा में बादल जो कि इस युद्ध में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बोरा व बादल राणा रतन सिंह के 2 प्रमुख सेनापति थे जिन्होंने इस अभियान में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान ने एक दिन में 20,000 राजपूतों का वध किया और चित्तौड़ पर अधिकार करके उसका नाम भी खिजराबाद रख दिया गया था और वहाँ अपने पुत्र खिजर खां को नियुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी और रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन से अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु जौहर कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि रानी पद्मिनी के सौंदर्य से काफी प्रभावित था और इसके अंतर्गत वह एक बार राणा रतन सिंह से मिलने के लिए भी आता है, अपनी सेना सहित चित्तौड़ में प्रवेश करता है और अतिथि सत्कार के रूप में राणा रतन सिंह अलाउद्दीन का स्वागत करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अलाउद्दीन जो है राणा रतन सिंह से बात रखते हैं कि वह रानी पद्मिनी से मिलना चाहता है, लेकिन राणा रतन सिंह उसे मना कर देते हैं और बाद में राणा रतन सिंह के द्वारा अपनी पत्नी पद्मिनी का जो चेहरा है वह झील में स्थित पानी के अंदर या फिर दर्पण के अंदर दिखाया था, जिसे देखकर अलाउद्दीन काफ़ी मोहित हो जाता है। और जब राणा रतन सिंह अलाउद्दीन को महल से बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है और उसे दिल्ली ले जाया जाता है। ऐसी स्थिति में रानी पद्मिनी जो कि कूटनीति से काम लेती है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रानी पद्मिनी के सामने शर्त रखी जाती है कि अगर वह उससे विवाह कर लेती है तो उसके पति राणा रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में रानी पद्मिनी अलाउद्दीन के सामने शर्त रखती है कि वह अपनी सखियों सहित पालकी में आएगी, शर्त स्वीकार कर ली जाती है। तो इस प्रकार रानी पद्मिनी 1600 सखियों के साथ पालकी में अपने राजपूत सैनिकों को बिठाकर दिल्ली में प्रवेश करती है
और बड़ी कूटनीति से अपने पति को छुड़वाने का प्रयत्न करती है। इस कार्य में बोहरा व बादल अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार रानी पद्मिनी जब अपने पति को राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से छुड़वाकर जाती है तो क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। जब रानी पद्मिनी को अपने पति रतन सिंह की विजय की आशा नहीं रहती तो वह 1600 रानियों के साथ अग्नि में जौहर कर देती है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने में सफल होता है और चित्तौड़ में विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने पुत्र खिजर खान को वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया जाता है। इस प्रकार 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और राजपूत सैनिक अर्थात बोहरा और बादल अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मालवा पर विजय 1305। मालवा पर विजय 1305। मालवा का शासक इस समय महलक देव था। 1305 ईस्वी में आयनपुर गोलक ने मालवा पर आक्रमण कर वहां पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। इस युद्ध में महलक देव व हरनंद मारे जाते हैं और मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है सिवाना पर 1308 ईस्वी में सैनिक अभियान हुआ। सिवाना के पश्चात है जालोर 1311 ईस्वी में। जालोर का राजा कानड़ देव था जिसने 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी लेकिन फिर भी वह अपने आप को एक स्वतंत्र शासक ही मानता था। कानड़ देव ने एक बार दरबार में अलाउद्दीन के लिए कुछ तुच्छ शब्दों का प्रयोग किया था जिससे अलाउद्दीन नाराज हो गया था और उसने कानड़ देव के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। इस संघर्ष में कानड़ देव मारा जाता है और जालोर पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा सिवाना और जालोर आदि राजपुताना क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। सिवाना राज्य जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308 ईस्वी में सैनिक अभियान किया जाता है। सिवाना राज्य जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308 ईस्वी में सैनिक अभियान किया जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी जो कि सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। सिवाना का जो शासक है शीतल देव था जो कि मुस्लिम सेना का डट कर मुकाबला करते हैं लेकिन अंत में लड़ते हुआ वह मारा जाता है। सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रकार त्रिभारत राजपुताना क्षेत्रों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा सिवाना जालोर आदि राज्यों पर विजय प्राप्त की। गुजरात का शासक कर्ण बघेला था। रणथंभौर का शासक हमीर देव था जो कि राजपूत शासक थे। चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे जबकि मालवा के शासक महलक देव थे। सिवाना के शासक शीतल देव थे जबकि जालोर के शासक कानवड़ देव थे। इन शासकों को पराजित करने के पश्चात अलाउद्दीन ने गुजरात रणथंभौर चित्तौड़ मालवा सिवाना जालोर आदि राजपुताना क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को विस्तारित किया था। आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के अंतर्गत उत्तरी भारत का सैनिक अभियान
जानकारी प्राप्ति। कल हम अमरीश जी के दक्षिण भारत सैनिक अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत के सैनिक अभियान में मलिक काफूर ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इस अभियान के अंतर्गत देवगिरी, वारंगल, होयसे, पांडे राज्य पर अलाउद्दीन के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। और विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्हीं यहीं के शासकों को उनके राज्य लौटा दिए जाते हैं और उनसे अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर प्राप्त किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत का सैनिक अभियान, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।